साल के आगाज पर नए टैक्सों का नफा, चीनी की कीमत में भी 3.5 रुपए इजाफा। ओपन मार्केट में चीनी 72 से 75 में फरोख्त। अकबरी मंडी में 50 किलो चीनी का थैला 3425 रुपए का हो गया। सीमेंट की बोरी भी 25 रुपए महंगी हो गई। बिजली इस्तेमाल करें मगर तफात जारी के साथ, बिजली के फी यूनिट कीमत में 75 पैसे इजाफा। महाना 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फीन नई कीमत से मुस्तस्ना। 300 यूनिट से ज्यादा के इस्तेमाल पर 75 पैसे महंगी बिजली होगी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने शहरियों पर गैस बम गिरा दिया, कीमतों में 200% तक इजाफा, नाफिजुल अमल आज से होगा। 100 यूनिट का बिल 127 रुपए से बढ़कर 300 रुपए, 200 यूनिट का बिल 264 से बढ़कर 553 और 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 738 रुपए का बिल वसूल होगा। सीएनजी की कीमत में भी 3 रुपए इजाफा, नई कीमत 90 रुपए 80 पैसे। ट्रेन का सफर और महंगा, पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में 2 से 18% तक इजाफा। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 100 रुपए, ग्रीन लाइन का लाहौर से कराची का किराया 6500 से बढ़ाकर 6,650 हो गया। खसारे का शिकार रेलवे लोगों की जेबें खाली होने लगा। डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ फजाई सफर भी महंगा, पीआईए का लाहौर से दुबई का रिटर्न किराया 55,000 रुपए हो गया, जबकि लाहौर से लंदन का रिटर्न किराया 1,08,000 का हो गया। होशुबा महंगाई ने कमर तोड़ दी, रेलवे लेबर यूनियन और मुतहिदा रेल मजदूर भी सड़कों पर। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन एहतजाज में शरीक, रेलवे की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ नारेबाजी की। मेट्रो बस के किरायों में इजाफे का इतलाक ना हो सका, 1 जुलाई से किराया 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए होना था। मेट्रो बस अथॉरिटी को किरायों में इजाफे की हिदायत मौसूल ना हुई। नए माली साल के आगाज पर नए टैक्स, अशिया फुरनोश से लेकर गाड़ियों तक हर चीज महंगी। गाड़ी की ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन के साथ विदहोल्डिंग टैक्स फी सीट के हिसाब से वसूल होगा। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ कार डीलर्स भी सड़कों पर आने को तैयार, लाहौर का डीलर्स फेडरेशन का हंगामे इजलास तलब। नए इनकम टैक्स कानून मुस्तरद, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल, लाहौर में 70 से 80 डाइनिंग और प्रिंटिंग यूनिट्स बंद। उधर तर्जुमान अप्टमा कहते हैं हुकूमत के मुआशी चैलेंज से आगाह हैं, अप्टमा हड़ताल के बजाय मुजाकरात पर यकीन रखती है। असासा जाहिर करने के लिए मजीद 3 रोज की मोहलत, हुकूमत ने तारीख में 3 जुलाई तक तौसी कर दी। बेनामी अकाउंट्स वालों के खिलाफ FBI तैयार, कार्रवाइयों के लिए Zone 2 भी कायम, 2 रोज बाद कार्रवाइयों का आगाज होगा। माली साल का पहला दिन, स्टेट बैंक की हिदायत पर तमाम बैंक और मालियाती इदारे आज बंद। बैंक हॉलीडे के सबब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी कल होगी। साबिक दौर के मंसूबों पर वजीर आला उस्मान बुज़दार की तख्ती लगेगी, 188 मंसूबों की फहरिस्त, ऐवान वजीर आला कुरसाल। वजीर आला पंजाब साबिक दौरे हुकूमत के 20 से ज्यादा मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला ने काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया, बजट तरक्याती मंसूबों समेत दीगर अमूर एजेंडे में शामिल है। वाटर कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाप्त, रिसाइकलिंग पर मुंतकिल ना होने वाले सर्विस स्टेशन, एको पर चार्जेस ना देने वाली फैक्ट्रियों सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने वाटर कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद रिपोर्ट वजीर आला को पेश करने का हुक्म दे दिया।
इचरा से 14 साल मुलाजमा की फंदा लगी लाश मिलने का मामला। पोस्टमार्टम में मौत दम घुटने के बायस हुई। जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात। वालिदा की मदयत में एडवोकेट मंजूर। अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब्जाजात सैयदपुर में नशे में धुत ओबाश का घर पर धावा। अहले खाना पर तशद्दुद, वीडियो मंजरेआम पर आ गई। मुलजिमान उस्मान फैसल और कैसर ने मुकदमे के बाद जमानतें करा ली। मुतासरा खानदान को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां। शहर लाहौर डाकुओं के निर्गमे। ठोकर न्याज बेग ऑयल एजेंसी पर डकैती की वारदात। फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते हुए साफ देखा जा सकता है। टेक्साली के इलाके में घर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इंतजामिया के इंसदादे तजावजात मुहिम का पोल खुल गया। गुलशन रावी मेन बुलेवार्ड पर तजावजात की भरमार। मून मार्केट पार्क और फुटबॉल ग्राउंड के साथ तजावजात माफिया का राज। शहरी परेशान, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा। गुलकार और अदाकार अली जफर सेशन अदालत में पेश। अली जफर ने मुनज्जम साजिश के हवाले से दस्तावेजात पेश की। अली जफर का 5 घंटे का तफसीली बयान कलमबंद। बोले बैनुल अक्वामी सतह पर काम किया, कभी इल्जाम नहीं लगा। सेशन अदालत ने समाप्त 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। स्टेज अदाकारा इरम चौधरी और सोबिया के खिलाफ महकमे दाखिला को शिकायत। स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान नाजेबा हरकत की शिकायत मौसूल हुई। शरीफ फैमिली के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात का केस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अकाउंट में भी मशकूक ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। नैब ने FBI समेत दीगर इदारों से तफसीलात तलब कर ली। टेंट हाउसिंग स्कीम सियालकोट करप्शन स्कैंडल। ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे को रवा हफ्ते दोबारा तलब करने का फैसला। साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर, भाई नवीद अख्तर, डेवलपर्स जाहिद मकबूल और शाहिद मकबूल भी नैब में पेश नहीं हुए। खेल तमाशा छोड़ो, बंद होते कारखाने और बेरोजगारी को देखो। खल्के खुदा तुमसे पनाह मांग रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। बोली नून लीग की तकसीम के ख्वाब देखने वालों की ताबीर नहीं मिलेगी। पेप्को में गैर कानूनी भर्ती केस की समाप्त। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने बयान कलमबंद कराने के लिए तमाम मुलजिमान को सवालनामा दे दिया। समाप्त 10 जुलाई तक मुलतवी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं वफादारियां तब्दील करने वालों ने सियासत को नुकसान पहुंचाया है। नैब की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारी। साबिक MD LWMC वसीम अजमल का हाईकोर्ट से रिजू। अदालत ने नैब को वसीम अजमल चौधरी की गिरफ्तारी से ताहुक्म सानी रोक दिया। दरख्वास्त गुजार को 5 लाख के 2 जमानती मचलकों के इवज गिरफ्तार न करने का हुक्म। गुलबर्ग में राबी सेंटर की कमर्शियल फीस की अदायगी का मामला। अदालती हुक्म के बावजूद DG LDA पेश न हुए। अदालत का इजहार नाराज की। उस्मान मौजम को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी का मामला ताखीर का शिकार। एजाज अहमद चौधरी को बतौर सदर पंजाब काम करने की हिदायत जारी। पंजाब के सेक्रेटरी जनरल के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जेरे गौर। शुएब सिद्दीकी मजबूत उम्मीदवार। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ह्यूमन रिसोर्स की कमी। सूबा भर की 6 मेडिकल यूनिवर्सिटीज एडहॉकिज्म का शिकार। मुस्तकिल भर्तियां न होने से सीटें खाली होना मामूल बन गया। करतारपुर राहदारी की तामीर के लिए अराजी की खरीदारी का मामला। अदायगियां कौन करेगा। हुकूमत पंजाब का विफाक से राबता। अराजी की मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड के नाम मुंतकली पर भी रहनुमाई तलब। मानसून बारिशें 5 जुलाई से 20 अगस्त तक मुतवक्के। लाहौर समेत बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए रावी में निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान है।
सैलाब का फिलहाल कोई खतरा नहीं, पेश के इकदाम करना नागुजीर है। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत मॉनसून में मुमकिन सैलाब इंतजाम पर इजलास। चरण हडियारा पांडू की और राइविंग ड्रेन्स की सफाई समेत हडियारा ड्रेन पर गेंद्स भी नष्ट कर दिए गए, मुतल्लिका हुक्काम की ब्रीफिंग। बड़ी ईद की तैयारियां, डीसी लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास, एमसीएल और जिला इंतजामिया के अफसरान की शिरकत, मवेशी मंडियों के कयाम का जायजा लिया गया। हाई कोर्ट में तीन बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले करने का अबूरी हुक्म, अदालत ने वालिदैन को मसाहलत का वक्त देते हुए समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बच्चों का वालिदा के साथ जाने से इनकार, अहाता अदालत में शोर शराबा। ट्रैफिक चालानों का डाटा रोजाना की बुनियाद पर अपडेट होगा, जिला कैंट और मॉडल टाउन कचहरियों से सम्यक क्लर्क खत्म, डेटा एंट्री ऑपरेटर तैनात, सेशन जज कैसर नजीर भट्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। जिला कचहरी में गैर एलानिया लोड शेडिंग, अदालती काम में मुश्किलात का सामना, अदालती अमला मोबाइल की रोशनी में काम करने पर मजबूर। सीपीओ में आईजी पंजाब आरिफ नवाज की खुली कचहरी, शहरियों की शिकायत सुनी, शिकायत के अजाले के लिए डीआईजी डिसिप्लिन को हिदायत जारी। उधर सीसीपीओ लाहौर की जानिब से आला कारकर्दगी पर इनामात की तकसीम, सीसीपीओ बशीर अहमद नासिर की जवानों को शाबाश। हवाई फायरिंग का सिलसिला ना रुक सका, वहादत कॉलोनी में सरकारी फ्लैट्स पर हवाई फायरिंग, सारी रात डांस पार्टी और शोर शराबे के साथ फायरिंग से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। 62 नौजवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से गुरेजा, अहले इलाका का इल्जाम। सूबाई वजीर इत्तला समसाम बुखारी की टेवटा सेक्रेटरीट अहमद चेयरमैन टेवटा हाफिज फरहत तबास से मुलाकात की, खातीन को खुद मुख्तार बनाने और टेवटा के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। लेस्को से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब, डायरेक्टर जनरल सकलैन जहूर राजा की खसूसी शिरकत, मुलाजमीन में पेंशन कागजात, चेक बुक्स और तहाइफ तकसीम किए। मोटापे का शिकार नूरुल हसन की सेहत में बेहतरी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, नाश्ते में प्रोटीन शेक दिया गया। डॉक्टर मास के मुताबिक नूरुल हसन को 6 हफ्ते तक मुकम्मल लिक्विड डाइट दी जाएगी। एमएनए अली परवेज मलिक और एमपीए चौधरी शहबाज की कारकुनों से मुलाकात, एन 127 में ट्यूबवेल ना चलने पर शिकायत, अली परवेज मलिक कहते हैं बासा ने मसाइल हल न किए तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की आज सालगिरह, साथ ही जजेस वकला अजीज अकारिब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगामात। पाकिस्तान हॉकी को बड़ा धचका, एफएच की ताजा तरीन रैंकिंग, पाकिस्तान का 17वां नंबर, पाकिस्तान हॉकी टीम बगैर खेले 12वें से 17वें नंबर पर चली गई। और शाहीन क्रिकेट क्लब और बाबर क्रिकेट क्लब की टीमों के दरमियान दोस्ताना मैच, शाहीन क्लब ने 3 विकेटों से मैच अपने नाम कर दिया। उधर प्री रीजन इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट, ईस्ट जोन ब्लूज और ईस्ट जोन वाइट की टीमें मद्देमुकाबले हैं।